हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रिकेट का इतिहास। दोस्तों, आज क्रिकेट के विश्व के इतिहास एंड भारत के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया जा रहा है, जिसे आप शुरू से लास्ट तक ध्यान पूर्वक देखिएगा। वही जानकारी दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी इसमें फालतू चीज ऐड नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिकेट का इतिहास। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट का मूल नाम जो है क्लब बॉल है। ठीक है, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्लब बॉल है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिकेट का मूल नाम क्या है, तो क्लब बॉल है। एंड क्रिकेट का बाइबिल किसे कहते हैं, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रिकेट का बाइबिल किसे कहते हैं। तो इंग्लैंड की विजडन मैगजीन को, इंग्लैंड की विजडन मैगजीन को, यानी कि मैगजीन मतलब पत्रिका होता है। ठीक है, तो इंग्लैंड की विजडन मैगजीन यानी विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल बोला जाता है। ठीक है, क्रिकेट का बाइबिल बोला जाता है। ठीक, एंड इसी बाइबिल इंग्लैंड की विजडन पत्रिका में यानी विजडन मैगजीन में के अनुसार क्रिकेट का सर्वप्रथम उल्लेख जो है 1300 ईस्वी में हुआ था। क्रिकेट का सर्वप्रथम उल्लेख जो है 1300 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एंड किंग एडवर्ड से प्राप्त सामग्री से बल्ले और गेंद के प्रयोग की पुष्टि हुई थी कि हाँ, लोग बल्ले और गेंद का प्रयोग करते थे। तो ये पुष्टि किससे हुई थी? किंग एडवर्ड के प्राप्त सामग्री से। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिकेट के जन्मदाता देश कौन है, तो इंग्लैंड। ठीक, और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, एंड क्रिकेट का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, यानी क्रिकेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो फ्लोरिडा के अंग्रेजी इटालियन शब्दकोश के संस्करण में। ठीक है, फ्लोरिडा के अंग्रेजी इटालियन शब्दकोश है, उसी शब्दकोश के संस्करण में क्रिकेट का सर्वप्रथम प्रयोग देखा गया, पाया गया। ठीक है, फिर सर्वप्रथम क्रिकेट मैच कब खेला गया, ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि सर्वप्रथम क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो 1709 ईस्वी में लंदन और कैंट के बीच में सर्वप्रथम क्रिकेट मैच कब खेला गया? 1709 ईस्वी में इंग्लैंड यानी लंदन और कैंट की टीमों के मध्य, लंदन और कैंट की टीमों के मध्य में खेला गया। एंड फिर 1710 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खेला गया। फिर 1729 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में खेला गया। फिर क्रिकेट का सुनहरा अध्याय प्रारंभ होता है हैम्बल्डन क्लब की स्थापना के साथ। हैम्बल्डन क्लब जो है प्रथम क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम क्रिकेट क्लब कौन है? हैम्बल्डन क्लब। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल का प्रथम क्लब कौन है? सेफील्ड फुटबॉल क्लब। ठीक है, जिसकी 1857 में स्थापना हुई थी। एंड क्रिकेट का प्रथम क्रिकेट क्लब कौन है? हैम्बल्डन क्लब। इसकी स्थापना 1760 इंग्लैंड में हुआ था। इसका मुख्यालय बोर्ड हाग पेनी टाउन में है। ठीक है, एंड जॉन नायरन जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है इसी क्लब की देन है। जॉन नायरन नाम के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, इसी क्लब की देन है। ठीक है, फिर आपका आता है MCC, क्रिकेट के इतिहास का दूसरा श्रेणी अध्याय। MCC यानी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब से शुरुआत होता है। ठीक है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 ईस्वी में लंदन में हुआ। ठीक है, जिसमें लॉर्ड्स की स्थापना हुई थी, लंदन के एक शहर का नाम है लॉर्ड्स। ठीक है, उसी लॉर्ड की प्रसिद्ध मैदान पर सबसे पहला मैच खेला गया 27 जून 1788 में, जिसे MCC ने ही खेला था। MCC यानी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जिसे बहुत बार पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट से रिलेटेड में। तो MCC की स्थापना 1787 लंदन में हुआ था। ठीक है,
इंग्लैंड के लॉर्ड की प्रसिद्ध मैदान पर सबसे पहला मैच खेला गया 27 जून 1788 में, जिसे एमसीसी नहीं खेला था। ठीक है, एमसीसी क्या करता है, क्रिकेट के नियमों को फिर बदल करता है, क्रिकेट के नियम बनाता है, उसमें संशोधन करता है। ठीक है, और फिर पहली बार हाथ घुमाकर गेंद फेंकना शुरू हुआ। जैसे पहले डायरेक्ट फेंकते थे, लेकिन पहली बार हाथ घुमाकर गेंद फेंकना शुरू हुआ, शुरू की किसने शुरू की सबसे पहले, तो 1807 में कैंट के जॉन बिल्स ने पहली बार हाथ घुमाकर गेंद फेंकने की शुरू की 1807 में। ठीक है, लेकिन उनके इस कला का लोग विरोध करने लगे, तो 1822 में अपनी इस कला का विरोध होते देख जॉन विल्स ने क्रिकेट से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। फिर क्रिकेट के निश्चित नियम बनाए गए, एमसीसी ने इसका निश्चित नियम बनाया 1935 में। ठीक है, 1935 में एक नया रूल बनाया क्रिकेट के लिए सार्वजनिक रूप से, एंड काउंट्री क्रिकेट की शुरुआत 1873 में हुआ। ठीक है, काउंट्री क्रिकेट की शुरुआत कब हुआ, 1873 में हुआ। ठीक है, एंड क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला गया 1877 में इंग्लैंड में, और इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के मध्य इस मैच को खेला गया। ठीक है, भारत का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, 1877 में इंग्लैंड में, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है विजयी रहा। ठीक है, इस हार से हतोत्साहित होकर इंग्लैंड में इसके विरोध स्वरूप में अंग्रेज महिलाओं ने क्या किया कि वेल्स जलाकर इंग्लिश क्रिकेट का दाह संस्कार कर दिया, और जली हुई वेल्स की राख को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया गया। ठीक है, तभी से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें एसेज यानी राख के लिए एक दूसरे के विरुद्ध मैच खेलती हैं। यह सिलसिला आज भी जारी है, और क्रिकेट खेल की शब्दावली में एसेज शब्द उल्लेखनीय बन गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। ठीक है, एंड आईसीसी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो क्रिकेट की सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, और कहाँ कब प्रतियोगिताएं होंगी, इसका संचालन जो है क्रिकेट का आईसीसी करता है। जैसे कि हर खेल का एक संगठन होता है जो पूरे विश्व में उसका संचालन करता है, तो आईसीसी क्रिकेट का एक संघ है जो क्रिकेट को संचालित करता है। ठीक है, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है, कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछता है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 लंदन इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जून 1909 लंदन इंग्लैंड में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से हुआ था। किस नाम से, सबसे पहले किस नाम से हुआ था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर 1965 में इसमें इंपीरियल शब्द हटाकर इंटरनेशनल शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। ठीक है, इंपीरियल हटाकर इंटरनेशनल रखा गया, तो ठीक है 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ठीक है, 1965 में इंटरनेशनल जुड़ा गया। फिर 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर, यानी कि इसमें से कॉन्फ्रेंस हटाकर काउंसिल रखा गया। ठीक, तो अब नया नाम क्या हो गया 1989 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आज वर्तमान में नाम है। ठीक है, जिसे कहा जाता है कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी में जो है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, सबसे पहला बात कि आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ है, दुबई के संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष, आईसीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एलेन इशाक न्यूजीलैंड के थे, एलेन इशाक
निजी रंग के थे, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। एंड वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं आईसीसी के? 104। आईसीसी के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 104, ठीक है। और आईसीसी में 1926 में भारत और वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने इसके सदस्य बने, ठीक है। 1926 में भारत, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड इसके सदस्य बने। तो भारत कब इसका सदस्य बना? 1926 में आईसीसी का। फिर 1952 में पाकिस्तान को इसकी मान्यता मिली। और पाकिस्तान कब सदस्य बना? 1952 में। तो इस प्रकार वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 104। एंड क्रिकेट की चार दिवसीय मैचों का प्रचलन शुरू हुआ 1930 ईस्वी इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। चार वर्षीय मैचों का प्रचलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच। एंड प्रथम एक दिवसीय 40 ओवरों का मैच खेला गया 1971 में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। प्रथम एक दिवसीय 40 ओवरों का मैच खेला गया 1971 इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। एंड प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष, ये बहुत बार पूछा जाता है, पुरुष और महिला का विश्व कप प्रतियोगिता कब हुआ था क्रिकेट का? तो प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुषों का 1975 इंग्लैंड से शुरुआत हुआ, ठीक है, जिसमें 8 देशों ने भाग लिया था। उसमें फाइनल में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से पराजित किया था, ठीक है। तो प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष कब से शुरुआत हुआ? तो 1975 इंग्लैंड से, इंग्लैंड में, ठीक है। एंड प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला कब से शुरुआत हुआ? महिला का 1973 इंग्लैंड में, ठीक है, ठीक है। तो 1975 पुरुषों का इंग्लैंड में, और महिलाओं का विश्व कप 1973 इंग्लैंड में, ठीक है। तो पहले महिलाओं का शुरू हुआ, फिर पुरुषों का, ठीक है। तो 1973 महिलाओं का, 1975 इंग्लैंड इंग्लैंड में पुरुषों का शुरू हुआ, ठीक है। इसको विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ठीक है। एंड ओलंपिक में शामिल किया गया क्रिकेट को ओनली 1900 के पेरिस फ्रांस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया पहली व अंतिम बार, ठीक है। पहली व अंतिम बार ओलंपिक में शामिल हुआ क्रिकेट 1900 के पेरिस फ्रांस में, ठीक है। एंड प्रथम अर्जुन अवार्ड सलीम दुरानी को 1961 में दिया गया। अब प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड जो है देश प्रेम आजाद को 1986 में दिया गया। तो दोस्तों ये था विश्व का इतिहास। अब बात करते हैं भारत में क्रिकेट के इतिहास के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में प्रथम अर्जुन अवार्ड पुरुष विजेता सलीम दुरानी 1961 है, एंड प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता देश प्रेम आजाद 1986, ठीक है। एंड भारत में क्रिकेट की शुरुआत जो है वो 1721 में अंग्रेजों द्वारा हुई। भारत में क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? 1721 में अंग्रेजों द्वारा हुई, ठीक है। एंड भारत का प्रथम क्रिकेट क्लब कब खोला गया? 1792 में कलकत्ता में, ठीक है, 1792 में कलकत्ता में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में क्रिकेट, भारत का प्रथम क्रिकेट क्लब कौन है? 1792 में कलकत्ता में, ठीक है। एंड विश्व का यानी क्रिकेट का पहला क्लब कौन है? जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बता दिया है कि हेमबंडर क्लब, ठीक है। क्रिकेट का प्रथम क्लब जो है हेमबंडर क्लब है। एंड भारत का प्रथम क्लब जो है 1792 में कलकत्ता में स्थापित हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने क्रिकेट को भारत में काफ़ी लोकप्रिय बनाया, ठीक है। एंड भारत की पहली टीम जो है इंग्लैंड का दौरा करने कब गई? भारत की पहली टीम, क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करने कब गई? 1866 में पारसियों के सहयोग से, ठीक है। किसके सहयोग से गई? पारसियों के सहयोग से गई, ठीक है। तो इस प्रकार भारत की पहली क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करने कब गई? तो 1866 में पारसियों के सहयोग से। इसलिए भारत क्रिकेट के इतिहास में पारसियों का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसी क्रम में इंग्लैंड की टीम प्रथम बार भारत आई,
इंग्लैंड की टीम प्रथम बार भारत कब आई? 1890 और 1899 में, ठीक है। और दोनों देशों के बीच क्रिकेट को काफी बढ़ावा मिला, भारत है इंग्लैंड के बीच, ठीक है। तो भारत कब गई? भारत की पहली क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करने गई 1866 पारसियों के सहयोग से, एंड इंग्लैंड की टीम प्रथम बार भारत आई 1890 और 1899 में, ठीक है, ठीक है। और फिर इसी प्रकार प्रारंभ में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने विदेशी टीमों की ओर से खेलकर अपना क्षमता का प्रदर्शन दिया, ठीक है। और उसके बाद सर्वप्रथम महाराजा रणजीत सिंह जो है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में शामिल हुए। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में सबसे पहले कौन शामिल हुआ? महाराजा रणजीत सिंह भारत की तरफ से, और इस टीम के लिए शतक भी बनाया इन्होंने, ठीक है। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने सर्वप्रथम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में भाग लिया, ठीक। तो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला 25 जून 1932 में। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच लॉर्ड के मैदान पर, इंग्लैंड के लॉर्ड के मैदान पर सीके नायडू की कप्तानी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया, ठीक है। तो इस प्रकार भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? 25 जून 1932 में लॉर्ड के मैदान पर सीके नायडू की कप्तानी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया। इसमें इंग्लैंड ने भारत को पराजित किया, एंड भारत टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन है? सीके नायडू। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे, तो सीके नायडू, ठीक है, जिनके नाम पर नायडू ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है। तो ये ट्रॉफी बहुत बार पूछा जाता है कि सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से, ठीक है। और भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन है? तो सीके नायडू, ठीक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट BCCI, ठीक है। BCCI यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में R.E. ग्रांट गूविल की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। तो BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में R.E. ग्रांट गोविल की अध्यक्षता में, एंड इसके प्रथम अध्यक्ष भी R.E. ग्रांट गोविल ही थे, एंड वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, ठीक है। एंड इसका मुख्यालय, BCCI का मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर भारत में पहला टेस्ट मैच हुआ, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया कि भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला लॉर्ड के मैदान में 25 जून 1932 सीके नायडू की कप्तानी में इंग्लैंड के विरुद्ध, ठीक है। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, ठीक है, 15 जून 1932 में। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भारत में, यानी भारत में पहला टेस्ट मैच कब हुआ? भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 में खेला लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड में, एंड भारत में पहला टेस्ट मैच कब हुआ? भारत मतलब भारत के किसी स्थान पर, तो भारत में पहला टेस्ट मैच हुआ 1933 में मुंबई के जिमखाना मैदान में, ठीक है। 32 में पहला टेस्ट मैच खेला 25 जून, और 33 में भारत में टेस्ट मैच पहला हुआ 1933 में मुंबई के जिमखाना मैदान में, ठीक है। एंड भारत ने प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और कहाँ खेला? तो भारत ने अपना प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1974 लॉर्ड में इंग्लैंड के विरुद्ध किया, ठीक है। अब प्रथम भारतीय टेस्ट अंपायर कौन थे? तो D.K. नायक और J.R. पटेल। प्रथम भारतीय टेस्ट अंपायर कौन थे? D.K. नायक और J.R. पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। D.K. नायक और J.R. पटेल, ठीक है, D.K. नायक और J.R. पटेल प्रथम भारतीय टेस्ट अंपायर थे। एंड राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी NCA की स्थापना 2000 में हुआ। तो दोस्तों ये था भारत एवं विश्व में क्रिकेट के संपूर्ण इतिहास के बारे में। इससे बाहर आपको इतिहास से संबंधित, क्रिकेट के इतिहास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं हार सकता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, एंड एक से दो बार देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह सभी गेमों के हिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।